हेलो दोस्तों, आई एम रोहन एंड वेलकम बैक। इतना सब कुछ हो गया ना पांच तीन चार महीनों में, क्या बताओ यार। पर बताना तो पड़ेगा क्योंकि कुछ बॉस दीवाने ये सोच रहे कि ऐसे मेकअप करने से इजी है ये सब करना। ऐसे मेकअप करने से इजी है एंड ऑब्वियसली सम अंकल्स हैव स्टार्टेड जजिंग। अबो यूट्यूब पढ़ाई वढ़ाई करो और देश की नाम रोशन करो ना, ये सब फालतू चीज में टाइम वेस्ट मत करो। शोभा आजकल के बच्चे भी ना बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग ना उम्र में तो बड़े हैं पर इनकी अकल तो मेरे जेई मार्क्स से कम है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इस यूट्यूब की चाल में मैं कैसे फिसल गया। ये सब शुरू हुआ इस क्वारंटीन में, सब कर करके इतना बोर आ गई है ना जिंदगी कि मानो किसी की चीज के ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं थी। और लंड दोस्त, लंड तो खड़ा हो लाइट छोड़ दी। तभी एक लड़की मिली दोस्तों, इतना कड़क एंट्री मारी ना कि देखते ही प्यार हो गया। लंड तो छोड़ो, दिल भी खड़ा होके बोलता है हाय हाय, क्या मस्त फिगर है, मेरी पसंद की प्रीति मिल गई दोस्तों। और उसका नाम है कॉमेडी। ये है अर्जुन रेड्डी और उसकी प्रीति, और ये हूं मैं और मेरी प्रीति। तो एक दिन मस्त फूकने के बाद लिखना शुरू कर दी स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। एंड पता है आगे क्या हुआ? आई स्टार्टेड विद वन स्क्रिप्ट देन टू एंड पीपल एक्चुअली स्टार्टेड टू लाइक व्हाट आई रोट एंड बाय द टाइम आई रीच टू मेनी स्क्रिप्ट्स दे वर रेगुलर रीडर्स फॉर माय स्क्रिप्ट्स एंड आई कुडंट बिलीव माय सेल्फ। पर इस चिनाल दुनिया हमारे आशिक से सहमत नहीं थी। क्या करेगा, पहले बेड से तो निकलना, पूरा दिन सोता रहता है। स्टैंड अप करेगा, स्टैंड अप। बहुत बढ़िया, पर पहले पढ़ाई पर फोकस कर बॉस। ठीक है, आधा जोकर तो इधर ही बन गया दोस्तों, अब डरने का कोई फायदा नहीं। ये सब तो ठीक था दोस्तों क्योंकि एक्सपेक्टेड। कॉमेडी बोले तो इंडियन लोगों की दिमाग में सर्कस में नंगा नाचने की इमेज आ जाती है। बट देर वर थ्री वर्ड्स विच टुक माई बीपी फ्रॉम 3 to 300 एंड वो है आर यू श्योर। समझ लो कि ये एक बंदा है और ये एक लड़की है और दोनों पहली बार सेक्स कर रहे हैं। अगर इस रोमांचक मूमेंट पर कोई आके ये बोल दे कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू हैव सेक्स वर्जिन, तो बंदा भी ये डाउट में आ जाएगा कि अगर कॉन्डम फट गई तो उसकी गांड फट जाएगी। oh, no. और वो दोबारा कभी लाइफ में सेक्स नहीं करेगा। सोचो अगर तब सचिन पहली बार सेंचुरी मारने वाला था और कोई चूतिया कमेंटेटर 99 पर उसको आके पूछ दे आर यू श्योर यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट सचिन, तो शायद सचिन भी ये बोल देता कि देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस और क्रिटिसिज्म खत्म नहीं हुई, पीछे से गांड मार रही थी पर आदत हो गई थी। सो दैट्स व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक, मेरी पहली व्लॉग दोस्तों इंस्टाग्राम पर, उसको मस्त व्यूज आ गए थे और उसके बाद मैंने खूब पिया बैंच। और इसके ठीक दो दिन के बाद
I got tested positive for corona pandemic. इतनी बुरी किस्मत। कभी कभी लगता है ब्रह्म स्वामी के वजह अर्णब गोस्वामी ने लिख दिया मेरा किस्मत. Then I turned this bat eating disease also into two vlogs, which also did pretty good. तो अब इस जोकर की बातों को विश्वास करने लगे थे लोग. So my parents, as much as they believed in my dream, they have more confidence that I'll fuck up. तो वो लोग बैकअप के बारे में बोलने लगे. बैकअप 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 प्लान बैकअप. तो मैं मम्मी से जाके पूछा कि जब आप डैडी से शादी कर रहे थे तो बैकअप के बारे में सोचा क्या? नहीं, इस लॉजिक से मैं हीरो नहीं बन गया. मुझे मिले थे 3 थप्पड़ और 2 मोटका. मैं ऑनलाइन क्लास में बैठ गया और मेरा पहला क्लास में ये देखना पड़ा है. Come on. दोस्तों, बात ये नहीं है कि ये चूतिया ने टीचर को इंसल्ट किया है, सर को इंसल्ट किया है, क्योंकि बैंचोत ये तो हम सब करते हैं, एक्सेप्ट कर लो. बात ये है कि मैं सुबह 10 बजे उठ के इसे डिस्गस्टिंग लंड को देखना पड़ा है. ऐसा दिखता है जैसे केले को जॉन्डिस आ गया हो. एंड आयरोनिकली अब मेरे सभी सर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं और वो भी प्रीमियर शोज कर रहे हैं. क्यों सर, बायजूस पे सीट नहीं मिली क्या? आई विश आई कुड शो यू द एडिटिंग ऑफ दैट वीडियो गाइस. हंस हंस के मर जाओगे. पर बैंचोद, मुझे टीसी नहीं चाहिए. यस, यू हैव हर्ड दैट राइट, आई डू वांट माय डिग्री. क्योंकि अगर ये वाली भी हाथ दे दी तो अर्जुन रेड्डी की तरह पी के सर्जरी करने की औकात नहीं है. सो गाइस, ऑल आई वांटेड टू से इज, जिस चीज को देख के आपकी दिल दिमाग और लंड खड़े हो जाते हैं ना, उसी चीज को आपको कर लेनी चाहिए. अगर अंकल या कोई भी चूतिया सामने आ गए तो धक्का देख के छेले जाओ. हिट एंड रन टुवर्ड्स योर गोल बिचेस. ये तो लास्ट संडे की बात है, व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल. जब समय आती है ना तो सब चूतिए भक्त बन जाते हैं मेरे तरह. सो 2 ईयर्स डाउन द लाइन, आइदर माय यूट्यूब चैनल विल बी अ सक्सेसफुल वन और इट विल बी सम जोक फॉर माय फ्रेंड्स टू लाफ एट. पर उसके पहले एटलीस्ट 10 बंदों को इंस्पायर करूंगा और 20 लौंडों की गांड मार के ही जाऊंगा. मेरी वीडियोस फटेंगी कि नहीं मालूम नहीं है, पर मेरी पूजा रूम तो गई. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड